हेलो, नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। तुम बताओ, दिवाली का क्या प्लान है? माँ, शादी के बाद हमारी पहली दिवाली है। सोच रही थी ससुराल ही मनाऊँ, लेकिन लेकिन क्या बेटा, मेरी तो 4 दिन की छुट्टी है, उनका पता नहीं। एक बार राघव से बात कर लेती। आने दो, आज मैं बात करती हूँ उनसे। चलो अब मैं भी तैयारी करती हूँ, ठीक है बेटा? ओके माँ, नमस्ते। ये लो मिस्टर कपूर। थैंक यू मिसेस कपूर। माय प्लेजर। अच्छा ये बताओ, दिवाली की शॉपिंग कर ली? हाँ, थोड़ा बहुत कराए। कौन कौन गए थे? मैं, मेरी कुछ दोस्त। अच्छा, मेरे लिए भी खरीदे हैं? अपने अपने लिए खरीद के आए सिर्फ? तुम्हारे लिए भी खरीदा है। अच्छा सुनो ना, शादी के बाद हमारी पहली दिवाली है, क्यों ना घर चले? घर? मेरा बड़ा मन है यार। बेबी तुम्हें तो पता है ना, इस बार एक ही छुट्टी है सिर्फ। प्लीज सर से बात करो ना, वो मान जाएंगे। सर से? प्लीज चलो मैं कोशिश करता हूँ। मना लोगे ना? मेरा बड़ा मन है घर जाने का, पहली दिवाली है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पता है तुम मना लोगे। अच्छा बाबू, मुझे बात तो करने दो पहले, ठीक है? ठीक है। यार एक बात बोलूँ, वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ पर तुम खाना भी अगर थोड़ा अच्छा बना देती तो सब कुछ भी ठीक हो जाता ना। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, बस से बात कर ली? बात तो कर ली, लेकिन लेकिन बॉस ने बोला क्या बोला बॉस ने? कि पैकिंग कर लो। सच्ची? सच्ची, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। ओह यार, वैसे भी पता, अब काम का ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा है। ये तो है, पर्सनल लाइफ के लिए स्पेस नहीं मिल रहा, बहुत स्ट्रेस हो गया है। वीकेंड पे तो छुट्टी मिलना भी मुश्किल हो गया। पर कोई नहीं, अब तो दिवाली पे हम घर ही जा रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पैकिंग कौन करेगा? तुम? जाओ तुम करो। मैं अकेले नहीं करूंगी पैकिंग। छुट्टी की बात किसने की? हाँ तो क्या हो गया, मिलके कर लेंगे ना। ना ना, नहीं साथ चलो। नहीं तुम करो। चलो ना। नहीं, मैं अकेले नहीं करूंगी। अच्छा बाबा दोनों करें, ठीक है। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत ज्यादा। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारी कोई बात मानता नहीं। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। अरे यार, ये ट्रैफिक कुछ ज्यादा नहीं लग रहा तुम्हें आज? हाँ यार। अरे यार ये रास्ता भी ना। अरे इतना परेशान मत हो वैदेही, हम पहुंच जाएंगे टाइम से। ट्रैफिक देख के लग तो नहीं रहा। अरे डोंट वरी बाबा, ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, देखो जैसे हम घर जा रहे हैं वैसे सभी घर जा रहे हैं। ये बात तो है। अरे यार हम पहुंच जाएं बस। पहुंच जाएंगे। सामने देखो बिल्ली। अरे यार ये तो अपशगुन हो गया। यार कैसी बात कर रही हो तुम, और किस बात का अपशगुन? वैसे ही हम लेट हो रहे हैं इतना, और ऊपर से ये भी हो गया। अरे बाबा मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा टाइम से, तुम टेंशन मत लो। एक मिनट रुको रुको। कितने हुए जी आपके? 480 हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी बोनी हो गई। आज सुबह से कुछ भी नहीं बिका था, आप भगवान हो हमारे लिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप। इस बार आपकी वजह से हमारी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात, बाय गुड़िया, बाय। ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ बहुत। अरे बड़ा ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे। हाँ यार लगता है एक्सीडेंट हो गया किसी का।
तभी ये भीड़ लग रही है। अरे यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा। यार सुनो, ट्रैफिक देख के लगता नहीं कि हम पूजा तक पहुंच पाएंगे। हाँ यार, ना अब हम घर जा सकते हैं ना अपने रूम, ये दिवाली तो खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं वैदेही, मैं तुम्हारी दिवाली खराब नहीं हुई, ठीक है? एक काम करो, गाड़ी पीछे लो। पीछे? मोड़ो ना गाड़ी, चल रहे हम। क्यों? चलो। अरे चलो ना बाबा, बात मानो। अरे यार तुम भी ना। अरे तुम चलो ना, मैं रुकवा दूंगी। अरे बाबा, एक तो तुम्हारी आधी अधूरी बातें ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम्हें अगर सारी बातें मेरी समझ आ गई तो हो नहीं गया, तुम वैदेही नहीं बन जाओगे? हाँ ये भी, वैसे बनना भी कौन चाहता है। काश और ग्राहक आ जाए और ठीक हो जाए। बेटा पटाखे पसंद है आपको? हमारे साथ दिवाली मनाओगी? हाँ जी। ये लो। हैप्पी दिवाली।